कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है। अगर बात धर्म की संरक्षण की आए तो भगवान भी झूठ कहने से पीछे नहीं हटते। चाहे सामने वाला कितना ही बलशाली हो, उसने चाहे कितनी भी पूजा पाठ की हो, पर अगर वो धर्म के रास्ते पर नहीं है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। आज हमने इस वीडियो में महाभारत के एक ऐसे पात्र को शामिल किया है जिसे अमर होने की कीमत आज भी चुकानी पड़ रही है। वो इतना बलशाली है कि उसे हरा पाना महाभारत के युद्ध में नामुमकिन था, लेकिन सिर्फ एक गलती की कीमत उसे 5000 साल बाद भी चुकानी पड़ रही है। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी के एकलौते पुत्र। अश्वत्थामा का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि ये अपने माँ बाप के कठिन शिव तपस्या से उत्पन्न हुए थे। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने जैसी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वो मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजय और अमर बना दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के साथ बड़े हो रहे थे। इनके पिता ने इन्हें शस्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान दिया और ये एक शक्तिशाली योद्धा बन गए। समय ने अपना रुख बदला और बचपन में एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए कौरव और पांडव एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। श्री कृष्ण ने बातों से समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु नियति एक युद्ध चाहती थी, क्योंकि धर्म की रक्षा की एक नई परिभाषा विधाता को लिखनी थी। एक ही परिवार के लोगों के बीच एक युद्ध शुरू हुआ, महाभारत। उस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा भी शामिल हुए, परंतु कौरवों की तरफ से। पिता और बेटे ने मिलकर पांडव पक्ष के कई दिग्गज सेनापति मार गिराए। श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठे ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि बाप और बेटे की ये जोड़ी अगर कुछ देर टिक गई तो पांडवों की हार निश्चित है। उन्होंने एक चाल चली और उन्होंने भीम को एक इशारा किया और कहा कि अवंतीराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दो और ये सब जगह फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर भीम ने वैसा ही किया। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और ये उद्घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य को भीम की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि सत्य क्या है ये बताओ, क्योंकि झूठ वो बोलते नहीं थे। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी, हाथी शब्द बोलते ही श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। तभी मौका पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वो युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के शिविर में पहुंचा। वहां पांडव के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने एक एक करके पांडवों के 5 पुत्र मार डाले। उसने उत्तरा के कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। उसने बहुत क्षमा मांगी, परंतु श्री कृष्ण ने उसे माफ नहीं किया। भगवान कृष्ण के दिए श्राप के कारण उसके मस्तक से हमेशा लहू और मवाद निकलता रहता है। इस दर्द से वो इतना परेशान हो गया कि उसने मृत्यु मांगी, परंतु उसे मृत्यु नहीं मिला। आखिर में उसे भगवान शिव की याद आई और वो तब से लेकर आज तक भारत के कई शिव मंदिरों में आज भी आते हैं और भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं और चले जाते हैं। भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जहां अश्वत्थामा को देखे जाने की आज भी बात कही जाती है। उनमें से सबसे पहला है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर का असीरगढ़ किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीबन 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करते हैं। यहाँ शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल और गुलाल चढ़ा मिलता है। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाएं भी सुनाते हैं। सभी कहते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा
वो या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। जबलपुर के नर्मदा नदी का गौरी घाट। यहाँ के नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। गौरी घाट के स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ नदी किनारे भटकते हुए अश्वत्थामा अपने घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी कभी हल्दी और तेल मांगते हैं। कई लोग तो उनको देखने के बाद बेहोश भी हो चुके हैं। यहाँ ऐसी घटना आज भी होती है। कानपुर का खेरेश्वर महादेव मंदिर। द्वापर काल से अश्वत्थामा इस खेरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने आते हैं। ये धाम उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवराजपुर में स्थित है। पुजारी और सेवादार ये दावा करते हैं कि जब रात में मंदिर का कपाट बंद हो जाता है तो ऐसा एहसास होता है कि अंदर कोई भगवान शिव की पूजा कर रहा है। ऐसा एहसास कई बार हुआ। हर बार जब भी सुबह मंदिर का कपाट खोला जाता तो जंगली पुष्प और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा मिलता है। हरियाणा का सोहना ब्लॉक। सोहना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव सांप की नगली में एक ऐसा मंदिर है जहां पर आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा इस गांव के लिए वरदान से कम नहीं। वो गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करते हैं। गांव वाले ये भी कहते हैं कि अश्वत्थामा इस गांव में अलग अलग रूप बनाकर आते हैं और इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा पाठ भी करते हैं। अश्वत्थामा आज भी इन सभी जगहों पर एक साथ उपस्थित होते हैं और भगवान शिव से श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में दिए गए श्राप के दर्द को कम करने की विनती करते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन मंदिरों में अश्वत्थामा को देखे जाने के बारे में? इनमें कितनी सच्चाई है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।